एक्सीडेंट होएगा, लेकिन दारू पी के तो चलाता है, तो अगर पुलिस बीच में नमस्कार, मैं हूं देव और आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपब्लिक अंदमान। और इस वक्त मैं मौजूद हूं डिगलीपुर पुलिस स्टेशन के सामने और उसके ऑपोजिट साइड में कुछ महिला खड़े हैं। और आजकल जो हमारे डिगलीपुर में रोड एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और बढ़ने का काफ़ी मुख्य कारण ज़्यादा देखा जा रहा है, ये रश ड्राइविंग के पीछे हो रहा है, दूसरा है ड्रिंकिंग ड्राइविंग के पीछे। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हमारे जो डिगलीपुर के महिला सड़कों पर रैली किया, रैली करते हुए पुलिस स्टेशन तक आया और पुलिस प्रशासन के अधिकारी आए, उनसे भी बात किया कि इसको चालान के जरिए को रोकने का कोशिश करें और जैसे रश ड्राइविंग वालों को चालान किया जाए और कहीं तो बिना चालान का ये लोग सुधरेगा भी नहीं कहीं ना कहीं, जिसके कारण महिला लोग थाना तक आना पड़ा आज। और ये कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा गलतियाँ देखे, ये जो हमारे जो रहने वाले जो बच्चे लोग हैं जो आजकल देखिए डेढ़ डेढ़ लाख दो दो लाख का बाइक लेके घूमते हैं, जो हाई कैपेसिटी हाई सीसी वाला बाइक होता है, ये बाइक लेके यहाँ पर इतना तेज़ी से जाते हैं और हमारे यहाँ के रोड में चलने वाला इंसान को भी मार देते हैं। इस तरह घटना काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं हमारे डिगलीपुर में और दो महीना से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट को मौत भी हुआ। तो उससे जुड़े मैं महिला से बात करेंगे, ये सबसे ज़्यादा गलती किन का हो सकता। तो पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम करुणा मंडल। अच्छा, ये जो एक्सीडेंट हो रहा है, जो हमारे जो बच्चे लोग हैं डिगलीपुर के जो एक्सीडेंट कर रहे रैश ड्राइविंग करके, ये सबसे बड़ा गलती किसको मानते हैं आप? सबसे बड़ा गलती पुलिस वाला का है, उसके बाद माँ बाबा का है, क्योंकि 2-2.5 लाख का एक गाड़ी खरीद के दिया, बच्चा क्या करता कोई ठिकाना नहीं है। तो गाड़ी इतना ओवर स्पीड चल रहा है कि उसका पीछे ना कोई रोड में कोई जगह कोई पुलिस चालान लेके खड़ा ही नहीं होता। 2-3 महीना से देख रहा है, 3 महीना नहीं, दुर्गा पूजा के बाद में एक ही दिन चालान लेके निकला और उसके बाद मधुपुर रोड में चालान देखा नहीं। देखिए, जैसे कि ये आप बोल रहे हैं पुलिस का कहीं ना कहीं गलती है, तो देखिए पुलिस अगर सबको पकड़ के लेके आएगा, गलती तो कम से कम देखा जाए। बाइक जो चलता कम से कम 100 बाइक में से अगर देखेंगे तो 80% लोग जो ऐसा लॉ का वायलेशन करते हैं करके गाड़ी चलाता, तो 80 लोग तो अंदर हो जाएगा। तब छुराने के लिए तो नेता लोग परेशान तो नहीं करेंगे हमारे पुलिस को? नेता लोग तो बातों बात में आ जाता। हाँ, तो उनको भी नहीं आना चाहिए, उनको नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो लोग अगर इस लोगों का सपोर्ट करेंगे फिर इन लोगों का तो हौसला बढ़ जाएगा। और भी जो कानून का दायरे में रख के एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए नेता आना चाहिए। हाँ, लेकिन ये जो अभी ये लोग जो रश ड्राइविंग करके जो लोगों को मारते हैं इसके लिए तो नहीं आना चाहिए नेता को। नहीं आना चाहिए कानून का पीछे। जो अगर हम पिया नहीं, हम भी एक ड्राइवर गाड़ी चलाता, हम अगर एक्सीडेंट किया तो मेरा पीछे आना चाहिए, जिसका साथ में किया वो अगर सही में किया कोई गलती हो गया तो नहीं आना चाहिए। आना चाहिए, नहीं होने से नहीं आना चाहिए। अगर वो पी एफ कराए तो उसके पीछे क्यों जाएगा नेता, हम क्यों जाएगा उसका? नहीं जाना चाहिए ना, कोई भी पार्टी वाला नहीं, कोई भी पार्टी वाला को नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो देखिए ये हमारे डिगलीपुर की महिला सीधा बोल रहे कि जो शराब पी के गाड़ी चलाएंगे, मतलब ड्रिंकिंग ड्राइव करके चलाएंगे, दूसरी बात है रश ड्राइविंग करते रफ तरीके से ड्राइविंग चलाएंगे, ड्राइविंग करके लोगों को मार देते। आजकल काफ़ी से लोग मर गए और अभी काफ़ी लोग मेडिकल में भी हैं और डिगलीपुर की कम न्यूज़ में दिया भी नहीं कि काफ़ी सारा एक्सीडेंट है। तो और अभी देखिए फिर महिला रोड में आ गए और बाकी को महिला से बात करेंगे। तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम कंचन मंडल है। तो अभी जो एक्सीडेंट मुद्दा जो बढ़ रहा है काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ गया है, होली का पहले भी काफ़ी हुआ, काफ़ी लोग एक्सीडेंट में मर गए गया और कुछ लोग मेडिकल से इलाज होकर घर में वापस भी आए। एक जन तो डेथ हो गया और 2-3 जन तो हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी एक जन को चेन्नई में भी लेके गया, तो 3 जन डेथ हो गया बोलता। तो इसी तरह अगर पुलिस वाला लोग अगर चालान उन लोग के पास नहीं रहेगा तब भी उन लोग रोड में खड़ा रहेगा, क्योंकि उधर पुलिस है, डर के मरे उन लोग गाड़ी थोड़ा स्लो चलाएगा। तो है पुलिस से तो डरना है, अब पुलिस को डराएंगे तो लोग डरेंगे, तो सही बात है। लेकिन दूसरी बात कहीं ना कहीं आप पेरेंट्स का भी जिम्मेदारी नहीं है, जो बच्चा लोग को बाइक देता तो बच्चा लोग को समझाए कि आप बाइक लेके आप जाइए, बाइक किस लिए चलाए, क्योंकि जो अगर 1 घंटा जाने वाला रास्ता में कहीं ना कहीं 10-15 मिनट पहुंच जाएंगे जो वॉक करके। तो ये तो वाहन जो है इंसान का काम आसान करने के लिए बनाएगा, अगर इसको अभी ऐसा तेज़ रफ्तार से चलेगा तो कहीं ना कहीं तो एक हथियार का तरह बन गया जो आज देखिए वाहन जी। और ऐसी बोलने से जो जिन लोग जैसे आप पेरेंट्स का बात बोला, पेरेंट्स अगर इसी तरह गाड़ी देगा दे सकता, लेकिन वो पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा किस तरह गाड़ी चलाता, वो गाड़ी स्लो चलता कि स्पीड से चलता, वो भी पेरेंट्स को दिखना चाहिए। पेरेंट्स का भी देखिए जिम्मेदारी, क्योंकि वो बाइक अच्छी
मतलब लॉ एंड ऑर्डर ट्रैफिक रूल को फॉलो करके गाड़ी चलाना चाहिए जी, फॉलो करके ही गाड़ी चलाना चाहिए, नहीं होने से तो एक्सीडेंट तो और थोड़ा ज़्यादा ही होएगा। और जैसे कि बाज़ार का अंदर में एक तो छोटा जगह है, तो उधर बाज़ार बीच बाज़ार का ही अंदर बोलता कि उधर सब्जी लेके ये बोले से कपड़ा उपड़ा लेके रास्ता का बगल से लोग बैठ जाता, तो उधर अगर पार्किंग का तो जगह है ही नहीं बाज़ार के अंदर, तो अगर वो सब हटा देगा बीच बाज़ार में थोड़ा खाली रखेगा तो इतना ज़्यादा एक्सीडेंट भी नहीं होएगा। अच्छा माता बोल रहे कुछ दुकानदार वाला जो फुटपाथ के ऊपर ऑक्यूपाइड करके रखा है। जी जी, ये जो बाज़ार के अंदर का बात बोला, ये उधर उधर का ना बात नहीं बोला, बाज़ार के अंदर में जितना है दुकान, बाज़ार के अंदर बोले से वो मधुपुर रास्ता में आम पेड़ जगह में उधर भी पूरा दुकान लेके बैठा है। अगर उस तरह अगर उन लोग नहीं बैठेगा वो रास्ता थोड़ा खाली रहेगा तो अच्छा होएगा पब्लिक के लिए, गाड़ी जाने आने के लिए स्पीड होने से भी एक्सीडेंट नहीं होएगा। अच्छा कहीं ना कहीं देखिए ये भी रोड भी कम से कम रोड के ऊपर मतलब दुकान डाल के बैठा है, जिसके कारण अभी एक्सीडेंट भी थोड़ा हो रहा है, जो ज़्यादा ही हो रहा है अभी एक्सीडेंट जी। तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम बंकिम शमददार। हम लोग सुबह मधुपुर से जो रैली लेके आके तो सब लोग से मिला, जो मुद्दा के लिए हम लोग रैली निकला, तो उसी का हिसाब ने सब लोग से बात भी किया। तो मेन चीज़ है सर, यहाँ में जो रोड है, रोड में कोई जगह ब्रेकर नहीं है, अगर कोई जगह रोड में ब्रेकर देने से, और एक बार बताना चाहूँ बीच में मैं काटना चाहूँगा, देखिए ये जो ब्रेकर जो आएगा ये रूरल रोड में मतलब विलेज रोड में आएगा, अरे हाईवे में तो ब्रेकर अलाउ नहीं है, हाईवे में जो बगा था उसमें तो हम लोग रिक्वेस्ट करता है कि ब्रेकर लगाने के लिए, क्योंकि हम लोग को गांव के लिए हम लोग को अच्छा होगा। यानी विलेज रोड में तो लगेगा ही, लेकिन एक लॉ बोलता है, रूल्स बोलता है कि हाईवे में ब्रेकर नहीं होना चाहिए जी सर। तो एक कुछ दिन के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ, तो कुछ तो मेडिकल में है, किसी का डेथ हो गया, इसका जिम्मेदारी बोलने से पुलिस लोग भी पूरा नहीं है, क्योंकि पब्लिक भी जो गाड़ी चलाता वो भी है, बोलने से ओवरटेक करता, गाड़ी ओवरटेक के पीछे ही ज़्यादा ऐसा होता। और एक बात है सर, यहाँ जो दारू पी के गाड़ी चला के ऐसा होता है, ये दो कारण है। और जो पुलिस वाला लोग को बोलने से, आप लोग चाहते हैं पुलिस इसमें सख्ती से काम करें? हाँ, हम लोग चाहते हैं ये पुलिस सख्ती से काम करे, और हर रोड में पुलिस खड़ा हो जाए, तो ये गाड़ी स्पीड तो कंट्रोल होएगा सर, इसमें गाड़ी का स्पीड कंट्रोल होएगा, तो कुछ एक्सीडेंट भी कम होएगा। तो स्टाफ नहीं होने से मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही बोलना चाहता हूँ, ट्रैफिक पुलिस का मांग करना चाहते हैं आप लोग? जी सर, एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग करना चाहता हूँ, ट्रैफिक पुलिस डिगलीपुर में आए और कंट्रोल करे। तो देखिए अभी डिगलीपुर में ट्रैफिक पुलिस का मांग बढ़ रहा है, कभी क्योंकि एक्सीडेंट के कारण ट्रैफिक पुलिस का मांग कर रहे लोग, और मैं भी न्यूज़ की तरफ से मैं मांग करता हूँ एसपी मैम हमारे, प्लीज़ डिगलीपुर में ट्रैफिक पुलिस जल्दी से लागू किया जाए। और डीसी साहब से भी बोलना चाहता हूँ, अगर हमारा न्यूज़ से आप तक पहुँचे तो प्लीज़ यहाँ के डिगलीपुर के लिए ट्रैफिक पुलिस लाइए। और दूसरी बात, मैं डिगलीपुर के नौजवान को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका जेब खाली होने वाला है, क्योंकि पुलिस अभी सड़क पे आ रहा है चालान लेके, तो आपका जेब ज़रूर खाली होगा, क्योंकि आप लोग शराब पीना भी छोड़ दीजिए और रश ड्राइविंग करना भी छोड़ दीजिए, और कहीं ना कहीं हिंदी मूवी फिल्म का हीरो का कॉपी करके भी रोड में मत चलाइए, क्योंकि जेब आपका खाली होने वाले हैं। तो फिर मिलें किसी और विषय में, जुड़े रहिए न्यूज़ रिपब्लिक अंदामान के साथ, धन्यवाद।